हेलो दोस्तों वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल आज हम पढ़ेंगे द कॉल ऑफ द वाइल अ सेंट ऑफ राइस और इस कहानी को लिखा है वेंकट अय्यर ने दोस्तों वेंकट अय्यर ने 17 साल आईटी कंपनी में काम किया था लेकिन जॉब में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगा वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते थे और कॉरपोरेट कल्चर से बड़ा परेशान भी हो गए थे तो फाइनली दो में उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ दिया आई जो कि एक मल्टी कंपनी है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट मैनेजर थे तो 2004 में जॉब छोड़कर मुंबई छोड़कर गांव देहात में आ गए और खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया गांव का शांत एनवायरनमेंट इन्हें भाग गया और इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बहुत ध्यान दिया खेती बाड़ी करते हुए क्या क्या चैलेंजेस इनके सामने आए इनका क्या एक्सपीरियंस रहा कैसे इन्होंने खेती बाड़ी करी ये सब आपको इस कहानी में पता लगेगा इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है खेती बाड़ी का तो चलिए शुरू करते हैं द फर्स्ट क्रॉप यानी पहली फसल अप्रैल 2004 के बाद थी मैं मूंग के हरे भरे रसीले खेतों के बीच में खड़ा हुआ था मूंग का खेत कुछ इस तरह का होता है आपके स्क्रीन के ऊपर है तो ऑथर कहते हैं कि मैं अप्रैल 2004 में मूंग के खेत के बीच में खड़ा हुआ था सुबह सुबह का टाइम था सूरज निकलने ही वाला था और आसमान ऑरेंज कलर में रंग गया था ज़मीन पर मिट्टी गीली हो गई थी और पत्ते ओस से चमक रहे थे मेरे नंगे पैर गीली मिट्टी में सन चुके थे और मैं बड़ी ध्यान से बड़ा सम्भल संभल कर चल रहा था मेरे आसपास चीकू के पेड़ थे चीकू आपने देखा होगा ब्राउन कलर का फल होता है बड़ा मीठा फल होता है तो उनके आसपास चीकू के पेड़ थे और नीचे ज़मीन पर मूंग के पत्ते थे मूंग की फसल उगा रखी थी ना उन्होंने तो ग्राउंड के ऊपर ना मूँग के पौधे निकल आए थे पत्ते निकल आए थे इतना बढ़िया एटमोसफियर था इतना मज़ा आ रहा था और मुझे उससे ज़्यादा ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए था मूंग के पौधे दो फीट से ज़्यादा बड़े नहीं थे मूंग के पौधे में से फली बाहर निकल रही थी और फली अभी तक पकी नहीं थी मतलब जो मूंग की फसल थी ना वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी अभी उसको पकने में और काटने में टाइम बचा था और मैं इस नज़ारे को देख बड़ा खुश था बड़ी खुशी हो रही थी मुझे ये सब देख मैं खड़ा हुआ देख रहा था कि कैसे पेड़ों के पीछे से सूरज उग रहा है सुबह हो रही है और धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा था मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह खेत मेरा है और मैं अपनी पहली फसल को खड़ा हुआ देख रहा था मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह मेरी पहली फ़सल है हालांकि जब मैंने कुछ एडवांस पैसा देकर इस ज़मीन को ख़रीदा था तब मैंने सोचा था कि मुझे फार्मिंग को सीखने में अभी बहुत टाइम लगेगा बहुत एफर्ट लगेगा लेकिन जिन्होंने मुझे ये ज़मीन दिलवाई थी उनका नाम था मोरू दादा मोरू दादा ब्रोकर थे और मोरू दादा को पूरा यकीन था कि हम लोग मूंग की दाल को पहली बार में ही उगा देंगे मैं फ़सल को उगाने के लिए प्रिपेयर नहीं था मैं तो किताबों को पढ़ रहा था किताबों में पढ़ रहा था कि ज़मीन में हम लोग क्या क्या बो सकते हैं और खेती बाड़ी कैसे की जाती है मतलब यहाँ पर ऑथर बताना चाह रहे हैं कि मुझे खेती बाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं किताबें पढ़कर सीखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे जो ब्रोकर थे ना मोरू दादा उन्हें यकीन था कि हम मूंग की दाल को पहली बार में ही लगाने में कामयाब हो जाएंगे पहली बार में ही मूंग को लगाने में कामयाब हो जाएंगे ऐसा विश्वास था मोरू दादा का तो अब जब फसल लग गई है तो मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि ये फसल हमने लगाई है और हम कामयाब हो गए मोरू दादा ने मुझसे कहा था कि मूंग के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट सीज़न है और गुजरात के सूरत शहर में मूंग के सबसे बेहतरीन बीज मिलते हैं यह बात सुनकर मैं जल्दी से सूरत में गया और 10 किलो मूंग ख़रीद के लेकर आया इसके बाद मोरू दादा ने हल चलाने के लिए अपना ट्रैक्टर रेंट के ऊपर दिया और जल्दी से हम लोगों ने मूंग को पूरे खेत में प्लांट कर दिया पूरे खेत में बो दिया कुछ दिन के बाद जब हमने छोटी छोटी हरी भरी कलियों को ज़मीन से फूटता हुआ देखा तो हमें बेहद खुशी हुई मैं ग्रेटफुल था कि मैंने मोरू दादा की एडवाइस को माना मोरू दादा का नेक्स्ट स्टेप था उन नन्हे पौधों पर पेस्टिसाइड्स को डालना पेस्टिसाइड डालने से उन्हें ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का मूँग मिलेगा क्योंकि कीड़ा पौधे को खा जाता है और पेस्टिसाइड है जो पौधे को कीड़े से बचाता है हालांकि मैं पेस्टिसाइड डालने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं था मैं चाहता था कि हमारी फार्मिंग ऑर्गेनिक हो और मैं किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना चाहता था जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि मुझे कोई भी केमिकल नहीं डालना तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का था जैसे मानो मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहता हूँ मतलब मोरू दादा का ऐसा मानना था कि बिना पेस्टिसाइड के तो खेती बाड़ी की ही नहीं जा सकती अगर पेस्टिसाइड नहीं डाला तो कीड़ा सब कुछ खा जाएगा पर मैंने बड़ी मुश्किल से मोरू दादा और उनके दोस्तों को समझाने की कोशिश करी और कहा कि सर प्लीज़ प्लीज़ हमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करना टाइम बीता और फाइनली बिना कोई पेस्टिसाइड बिना किसी केमिकल के यूज़ किए बिना हमारी फसल बड़ी हो गई और अब टाइम आ गया था फसल काटने का हमने बिना केमिकल के फसल को तैयार किया और 300 किलो फसल काटी और इस पहली खेती ने हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट कर दिया था एक बात तो मुझे पता लग गई थी कि यह ज़मीन काफ़ी फर्टाइल है काफ़ी उपजाऊ है और इस ज़मीन पर बिना किसी केमिकल का यूज़ किए भी फसल को उगाया जा सकता है और मैं बहुत खुश था ये जानकर क्योंकि मैं कभी भी कोई भी केमिकल का के यूज़ नहीं करना चाहता था और अब मेरा मॉरल भी बूस्ट हो गया था दोस्तों इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट है द सेंट ऑफ राइस सेंट कहते हैं खुशबू को तो इसका मतलब है चावल की खुशबू ऑथर कहते हैं कि चावल लगाने का सीज़न था लेकिन मुझे फसल लगाने में देर हो गई थी चावल मैं टाइम के ऊपर नहीं लगा पाया तो मैंने क्या करा एक जगह है कॉसबॉर्ड नाम की वहाँ के जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स थे कॉसबॉर्ड के एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स ने मुझसे कहा था कि आप जी आर फोर चावल की फसल को लगाओ जी आर फोर एक तरह का चावल होता है और जी आर फोर उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेता है उगने में मैं लेट हो गया था फसल लगाने का टाइम नहीं था मेरे पास इतना इसलिए मुझे जी आर फोर ही लगाना पड़ा ताकि फसल टाइम पर उग जाए और मैं टाइम पर काट कर दे सकूं। लेकिन अगले साल हमने सोचा कि टाइम से पहले ही चावल की बढ़िया फसल उगाएंगे टाइम से पहले ही अपनी तैयारी कर लेंगे हमने कुछ ही ट्रेडिशनल चावल की वैराइटीज़ को स्टडी करा और हमने जाना कि इन ट्रेडिशनल चावलों को उगाने के लिए कोई ख़ास केमिकल या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती ये फसल काफ़ी मज़बूत होती है और कीड़े भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते मैं जानता था कि इस तरह का चावल हमारे खेत में बहुत बढ़िया उगेगा क्योंकि हम लोग कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करते पिछले साल जो खेती बाड़ी हमने करी थी उसने मुझे एक लेसन सिखा दिया उसने मुझे सिखाया था कि हमें कोई भी लो क्वालिटी की फसल को नहीं उगाना अप्रैल 2005 की बात है हमने बढ़िया वैरायटी का चावल तलाश करना शुरू किया हमारे एक पड़ोसी था और उसने सजेस्ट किया कि आप लोकल खुशबू वाले चावल को उगाओ आसपास के फार्मर्स ने लो क्वालिटी वाले चावलों को उगाना शुरू कर दिया था और आसपास के नौजवान किसान मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे क्योंकि मैं बढ़िया वैरायटी का देसी चावल उगाने का सोच रहा था बाकी सब लोग लो क्वालिटी का हाइब्रिड चावल उगा रहे थे तो जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ट्रेडिशनल देसी चावल उगाऊँगा बढ़िया चावल उगाऊँगा तो सभी लोग मुझे बेवकूफ़ समझने लगे काफ़ी टाइम तक मैं इधर उधर भटकता रहा बढ़िया चावल की वैरायटी को ढूंढने में और मैं हार मानने ही वाला था फिर मैंने एक आखिरी बार ट्राई करने का सोचा और मैंने बात करी बबन के फादर से और कुछ बड़ी उम्र के लोगों से काफ़ी देर तक बात करने पर उन्होंने मुझे कस्बाई चावल का नाम बताया कस्बाई एक ट्रेडिशनल चावल है और यह काफ़ी लंबा और बढ़िया खुशबार होता है लेकिन यह बासमती से थोड़ा सा हल्का चावल होता है बासमती की टक्कर का नहीं होता बड़ी उम्र के लोगों ने मुझसे कहा था कि यह फसल काफ़ी लंबा टाइम लेती है और हमने तो इसे सालों पहले उगाया था अब तो यहाँ पर कोई भी इसे नहीं उगाता हम लोग भी नहीं उगाते जब मैंने उनसे पूछा कि इस चावल की वैरायटी का बीज कहाँ पर मिलेगा तो सभी लोगों ने अपना सर झुका लिया और झुके हुए सर से कहा कि इसका बीज गायब हो चुका है मतलब अब यह बीज नहीं मिलता कस्बाई की मैंने इतनी ज़्यादा बातें सुन ली थी कि अब तो ज़िद यही थी कि कस्बाई को ही उगाना है चाहे कुछ भी हो जाए अपने खेत में कस्बाई को ही उगाना है मैंने सोचा कि शायद सरकार को इस बारे में कुछ पता होगा तो इसी उम्मीद में मैं एग्रीकल्चरल ऑफिसर के पास में गया लेकिन वहाँ पर जाकर पता लगा कि ऑफिसर भाई साहब तो पहली बार इस तरह के किसी चावल के बारे में सुन रहे थे उन्होंने तो कस्बाई का नाम तक नहीं सुना था ऑफ़िसर ने बाजार में चल रहे कुछ लो क्वालिटी के चावलों के नाम मुझे गिनवाने शुरू कर दिए और कुछ चावल उन्होंने मुझे ट्रायल के लिए फ्री में ऑफ़र भी किए मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं इस ऑफ़िसर के पास अपना टाइम बर्बाद करने के लिए क्यों आ गया इसके बाद मैं गया आदिवासी महामंडल के पास आदिवासी महामंडल आदिवासियों से चावल ख़रीदते हैं सरकार के बिहाफ के ऊपर लेकिन जब मैंने आदिवासी महामंडल से जाकर कस्बाई चावल के बारे में पूछा तो उन्हें भी ये चावल अपने डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिला मुझे जवाब में ये भी सुनने को मिला कि हो सकता है कि मार्केट में इस चावल की कोई भी डिमांड ना हो अगर डिमांड ही नहीं होगी तो फिर भला कोई किसान क्यों उगाएगा ये चावल जब डिमांड होगी तभी तो कोई किसान इसे उगाएगा ना अगर तुम इस चावल को उगा भी लेते तो शायद इसे बेच ना पाते लेकिन आदिवासी महामंडल के जो ऑफिसर इंचार्ज थे उनको काफ़ी नॉलेज थी और उन्होंने मुझे बताया कि कुछ साल पहले किसी ने मुझे कस्बाई चावल बेचा था इसके बाद मैं कस्बाई की तलाश करता हुआ धानीवारी नाम की जगह पर गया धानीवारी में मुझे देवू हांडा नाम के एक इंसान से मिलना था देवू हांडा एक बूढ़े आदमी थे जिनके बाल ग्रे थे उन्होंने एक टोपी पहन रखी थी और वो अपने घर में एक चरपाई पर बैठे थे देवू हांडा किसी ज़माने में अपने गाँव के सरपंच हुआ करते थे इनके पास कई एकड़ जमीन है बहुत बड़ा घर है और एक बहुत बड़ी फैमिली भी उनसे कुछ देर बात करने के बाद फाइनली मैंने उनसे कस्बाई के बारे में पूछा कस्बाई का नाम सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ गई उन्हें बीता ज़माना याद आ गया लड़खड़ाती हुई आवाज़ से उन्होंने कहा कि एक ज़माने में पूरा गाँव सिर्फ़ और सिर्फ कस्बाई चावल उगाया करता था और पूरे गाँव की हवा में कस्बाई की महक दौड़ती थी क्योंकि यहाँ पर हर घर में कस्बाई चावल ही पकाया जाता था इसलिए कस्बाई चावल की महक पूरी हवा में घुली हुई थी लेकिन आज कोई भी कस्बाई को नहीं उगाता है हर कोई नई नई वैरायटी उगाने में लगा हुआ है और मुझे भी मजबूरी में ये बिना जायके का बिना खुशबू का चावल खाने की आदत डालनी पड़ी कस्बाई कोई इसलिए नहीं उगाता क्योंकि कस्बाई की फ़सल को उगाने में बहुत टाइम लगता है और जितनी देर में कस्बाई की फ़सल बनकर तैयार होती है उतनी देर में तो लो क्वालिटी चावल की दो फ़सलें बनकर तैयार हो जाती हैं तो इसीलिए हर कोई लो क्वालिटी का चावल उगा रहा है क्योंकि ये कम टाइम में तैयार हो जाता है मैंने देवू हांडा से पूछा कि जब आपको ये नया हाइब्रिड चावल नहीं पसंद तो आप ये चावल क्यों उगा रहे हो कस्बाई को क्यों नहीं उगाते मेरे इस सवाल पर देवू हांडा मुस्कुरा कर बोले उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पर हर कोई हाइब्रिड चावल उगा रहा है सबकी फसल जल्दी तैयार हो जाती है और फसल काट कर ये लोग गाय भैंस को छोड़ देते हैं अब अगर मेरी फसल भी इनकी फसल के साथ नहीं कटी अगर मेरी फसल तैयार नहीं हुई मैं उसे नहीं काट पाया तो फिर क्या होगा गाय भैंस मेरी फसल बिगाड़ देंगी तो इसीलिए मुझे भी सबके साथ में चलना पड़ता है जब सब लोगों की फसलें कटती हैं तो मुझे भी अपनी फसल को काटना पड़ता है बड़े दुख के साथ देवूहांडा ने कहा कि हाइब्रिड चावल की फसल उगाने में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसकी खेती में पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसके अलावा हमें हर साल यूरिया और पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स की क्वांटिटी को भी और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है इस हाइब्रिड चावल की केमिकल्स खाने की भूख हर साल बढ़ती ही रहती है और दूसरी तरफ कस्बाई की तो बहुत ही बढ़िया खेती होती थी यहाँ तक कि साठ के दशक में जब बहुत तेज़ बाढ़ आई थी तब भी कस्बाई के खेत अपनी जगह टिके रहे बाढ़ भी उनका कुछ ना बिगाड़ पाई मुझे आज भी याद है जब बाढ़ ख़त्म होने के बाद हम लोग अपने गांव में वापस लौटे तो कस्बाई के खेत पहले जैसे ही खड़े थे बर्बाद नहीं हुए थे इतना ज़्यादा ताकतवर चावल था बाढ़ भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाई लेकिन अब देखो हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया इस हाइब्रिड चावल को उगा कर बातें आगे बढ़ रही थीं हमने देवू हांडा को याद दिलाया कि हम यहाँ पर कस्बाई का बीज लेने के लिए आए हैं इस पर देवहाँडा ने कहा कि अब तो इस पूरे गांव में तुम्हें कहीं भी कस्बाई का बीज नहीं मिलेगा कस्बाई को कोई नहीं उगाता यहाँ पर लेकिन हाँ हमारे गांव से आगे एक गांव है उस गांव का नाम है असरवरी असरवरी में कुछ आदिवासी हैं वो पहाड़ियों पर कस्बाई को उगाते हैं उन आदिवासियों के पास मिल सकता है बाकी किसी और के पास में नहीं मिलेगा इसके बाद हमने हांडा को अलविदा कहा और अब हम कस्बाई को ढूंढते हुए असरवरी गांव में पहुंच गए हम असरवरी गांव की बोली को नहीं जानते थे तो इसीलिए हमने वहां के सरपंच से मदद मांगी ताकि कम्युनिकेट हो सके और सरपंच ने अपने असिस्टेंट जीवन को हमारे साथ में पहाड़ों पर भेजा जीवन वहां के लोकल लैंग्वेज को समझेगा और ट्रांसलेट कर, कर हमें बताएगा लगभग आधे घंटे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलते हुए फाइनली हम एक छोटे से गांव में पहुंचे जो कि बोरीपाड़ा नाम की जगह पर था उस गांव में सिर्फ दो टूटे पूटे घर थे एक बूढ़ी औरत एक घर के बाहर बैठी थी और बड़ी क्रियासिटी के साथ उसने हमें देखा हमने जीवन से कहा कि वो इस बूढ़ी औरत से पूछे कस्बाई के बारे में जीवन ने कुछ बात करी और फिर मुस्कुराते हुए हमसे कहा कि इस औरत के पास में कस्बाई का बीच है और ये औरत कुछ पूछ रही है जीवन ने कुछ देर उस बूढ़ी औरत से बात करी और फिर मुस्कुराते हुए हमसे कहा कि इस औरत के पास में कस्बाई का बीज है और यह औरत पूछ रही है कि हम लोग कौन हैं और हमें कस्बाई चावल क्यों चाहिए मेरे लिए अपनी खुशी को दबाना मुश्किल था दिल तो चाह रहा था कि उस बूढ़ी औरत को अभी सीने से लगा लूँ और ख़ुशी हो भी क्यों ना इतने महीनों से हम इतनी मेहनत से कस्बाई चावल को ढूंढ रहे हैं इधर से उधर और फाइनली वो चावल हमें मिल गया था हमने बूढ़ी औरत को समझाया कि हम पास के गांव पेट से आए हैं और हम कस्बाई चावल को उगाना चाहते हैं इसलिए बीज को ढूंढ रहे हैं और हमने उस औरत से दस किलो चावल मांगा बूढ़ी औरत कुछ बुढ़ और जीवन ने बताया कि आंटी बोल रही हैं कि उन्होंने कभी भी पेट गाँव का नाम नहीं सुना था और उनके पास नापने के लिए कोई भी तराजू नहीं है भला वो दस किलो कैसे देंगी उनके पास नापने के लिए कोई तराजू तो है नहीं वो सिर्फ बास्केट में बीज को दे सकती हैं यह सुनकर हमने एक बास्केट चावल को कहा और जीवन ने हमसे कुछ पैसे पे करने को कहा मैंने बूढ़ी औरत को सौ रुपए का नोट दिया सौ का नोट देखकर पहली बार उनका चेहरा खुशी से मुस्कुरा उठा चावल लेकर हम घर की ओर बढ़े शाम जा रही थी और रात आने को थी बूढ़े औरत से मिलकर मुझे लगा कि ऐसे लोग जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कच्ची मिट्टी में देहाती गाँव में रहते हैं यही रियल इंडिया है यहाँ पर कोई गाड़ियों का शोर शराबा नहीं है रोज़मर्रा की भाग दौड़ नहीं है कोई टेंशन नहीं है एनजाइटी नहीं है यही लोग हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रखा है लेकिन हम लोग इनकी कोई कदरे नहीं करते हैं इन लोगों ने कभी किसी केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र या हाइब्रिड चावलों का नाम नहीं सुना ये अपना ऑर्गेनिक चावल उगाते हैं और उसी को खाते हैं जिस बूढ़ी औरत से मैं मिला था उसने शायद ही अपने गांव बूढ़ी पाड़ा से कोई बाहर कदम रखा होगा इनकी दुनिया बाहर के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की वजह से ख़राब नहीं हुई यहाँ पर जिंदगियों में सुकून है मज़ा है ज़िंदगी ठहरी हुई है शांत है और इसीलिए मैं ग्रेटफुल था दोस्तों कहानी यहां पर खत्म हो गई है लेकिन अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैंने कवर कर दिया है बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस को अपलोड है। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्लेलिस्ट आ रही है इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे आज के लिए बस इतना ही जय हिंद